डेवलपमेंट किसके अंडर आएगा, कौन से प्रकार के डेवलपमेंट के यानी किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आता है, यानी संप्रत्ययों का विकास किसके अंदर आएगा। चार मुख्य प्रकार हैं विकास के, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इन चार में से किसके अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आएगा, कॉन्सेप्ट का बनना किसके अंदर आएगा, किससे संबंधित है, फटाफट से बताओ, फिर आगे की बात करेंगे। जल्दी बताओ, जल्दी, सही है, सीक्रेट वॉइस, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत सही। जितने भी लोग कह रहे हैं क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बात आपकी जम रही है थोड़ी थोड़ी। देखो एक बार अगर मैं पढ़ूं यहां पर, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, तो आंसर कीजिए एक बार, ठीक है, अपने अपने आंसर अपने अपने पास रखिएगा। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में बात। हम जानते हैं चार प्रकार के डेवलपमेंट हैं, PCSE कल हमने खूब डिस्कस किया था, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव जो संज्ञान आपके दिमाग से रिलेटेड, सोशल जो आपके सामाजिक विकास से रिलेटेड, और इमोशनल यानी कि आपके इमोशंस से रिलेटेड। इसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज भी इसी के अंदर आती है, यानी भाषा भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगी, और दूसरी जो चीज है आपकी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आपका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट यानी कॉन्सेप्ट्स का, आपके संप्रत्ययों का विकास आएगा। दिमाग में तो बनाओगे ना कॉन्सेप्ट्स, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है लव का, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है एल्ट्रुइज्म का, मतलब आप दूसरों की भलाई चाहते हैं, या आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब बेसिकली ये क्या, ये बहुत सारे अलग अलग संप्रत्यय हैं आपके दिमाग में, कहां है ये, दिमाग में ही है ना, बाहर तो हाथों में तो नहीं लेके चल रहे हो, है ना। तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास का ही हिस्सा है, भाषा का विकास हो चाहे चाहे वो फिर आपका संप्रत्ययों का विकास हो। संप्रत्यय बनते कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने सेंसेस से इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, यानी परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, चाहे वो देख करके हो, टच करके हो, फील करके हो, और वो एक परसेप्शन क्रिएट करती है, इन परसेप्शन से हम कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं, है ना। तो चलते फिरते या पता नहीं हम कितने कॉन्सेप्ट साथ लेकर के घूम रहे हैं, संप्रत्यय साथ लेकर के घूम रहे हैं, संज्ञान में हमारे उनकी समझ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कॉग्निटिव यानी संज्ञान से संबंधित है, और भाषा की यदि बात करूं तो यह भी संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास में भी आपके ब्रेन के, मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर, तो लैंग्वेज है लेफ्ट हेमिस्फेयर में, ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फेयर में लैंग्वेज है। और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना हो तो आप राइट ब्रेन के लिए ट्रेन करेंगे बच्चे को, राइट ब्रेन क्लासेस भी दी जाती हैं कई जगह पे, मैं आपको बता भी रही थी पहले, यानी क्रिएटिविटी को डेवलप कराने की बात की जाती है। कॉन्सेप्ट्स बनेंगे कैसे, जब आप बच्चों को एक्सपीरियंस करने का मौका देंगे, चीजें एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने का मौका देंगे, तब उसके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, हम देख लेंगे जिस आंसर में बच्चे को एक्टिविटी करने का मौका मिला होगा, मीनिंग मेकिंग करने का मौका मिला होगा, एक्सप्लोरेशन का मौका मिला होगा, मतलब सिंपल बात है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट बेहतर हुआ होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास भी बेहतर होगा। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला है गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल्स एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। भाई हम मान लीजिए किसी भी एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें, किसी भी एक थ्योरी के बारे में पढ़ें, तो आपको मल्टीपल एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है, क्यों, ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से पक्का कर सकें, समझ सकें, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्रिएट कर सकें, तो मल्टीपल एग्जांपल्स दिए जाने चाहिए। दूसरा, बच्चों को एनकरेज किया जाए कि अपना तर्क यूज करो, ऐसे है तो क्यों है, क्यों है तो कैसे है, मतलब रीजनिंग का यूज करने के लिए उनको कहा जाए, ताकि सही कॉन्सेप्ट्स वो डेवलप कर सकें। तो ए ऑप्शन सुंदर, सस्ता, सरल, टिकाऊ ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, यूज पनिशमेंट टिल स्टूडेंट। देखो पनिशमेंट का यूज करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, RTE ने बैन किया हुआ है कॉर्पोरल पनिशमेंट को, मुर्गा मुर्गी हम नहीं बना सकते बच्चों को, यानी कि कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है, दंड वो वाला, वो बिल्कुल बैन है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। आगे बढ़ेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंस टू दी ओल्ड वंस। देखो ऐसा नहीं हो सकता, नए कॉन्सेप्ट्स पुराने की नींव पे ही बनते हैं, यानी प्रीवियस नॉलेज का, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके नवीन ज्ञान से जोड़ा जाएगा। तो ये कहना भी गलत है कि नए ज्ञान का, नए कॉन्सेप्ट्स का पुराने कॉन्सेप्ट से कोई संबंध नहीं है, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, रिप्लेस दी स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वंस बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज। देखो कभी भी ना याद कर करके आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हैं, रट करके ये रोड मेमोराइजेशन हो जाएगा कि बच्चों को इनकरेक्ट आइडियाज, कितनी चीजें याद कराओगे, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो उनको क्रिएट करनी है, जिसको लेकर के समझ, सब कुछ याद नहीं करा सकते हो। याद कराना, रटना, ये हमारा मकसद नहीं होता, मीनिंग को क्रिएट करा सकें, नॉलेज को क्रिएट करा सकें, कंस्ट्रक्ट करा सकें, ये हमारा मतलब होता है पढ़ाने का। तो मल्टीपल एग्जांपल देके उनको रीजनिंग के लिए प्रोत्साहन करेंगे, ताकि वो अपने संप्रत्यय क्रिएट कर सके अपने दिमाग में अपने ढंग से। ए ऑप्शन यहां पे सही हुआ। आगे बढ़ेंगे, स्पीड ज्यादा हो तो बता दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने प्रस्तुत है बहुत ही भारी डिमांड पे, मुर्गा और उसकी मुर्गी। ये देखो अभी मुर्गा और मुर्गी दो अलग जेंडर हैं, क्या फायदा तुम्हें जेंडर पढ़ाने का है। बिल्कुल पुनीता, आंसर कीजिए फटाफट से। चिल्ड्रन व्हाट, बच्चे जन्म से उच्चृंखलन होते हैं, यानी कि आर बॉर्न अनरूली एंड नीडेड टू बी सिविलाइज्ड बाय दी सोसाइटी, मतलब उनको सिविलाइज करने की जरूरत है, उनमें होता नहीं कुछ, या फिर आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड मेंट टू बी वर्शिप्ड, पूजा करने के लिए बने हैं, इंसान ही बना लो पूजा तो देखी जाएगी, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन, और लास्ट है कम इन टू दिस वर्ल्ड विद अ ब्लैंक स्लेट। देखो ये बात सिर्फ बिहेवियरिस्ट कहते हैं, व्यवहारवादी, और हम इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आजकल का जो हमारा स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो ब्लैंक स्लेट पे बेस्ड नहीं है। वो कहते हैं बच्चा सीखने की क्षमता रखता है, लिटिल साइंटिस्ट है, नॉलेज को बिल्ड कर सकता है, प्याजे वाला कॉन्सेप्ट है। आज की डेट में कंस्ट्रक्टिविज्म को हम फॉलो कर रहे हैं एनसीएफ में, ना कि बिहेवियरिज्म को। बिहेवियरिज्म जॉन लॉक कहते हैं ब्लैंक स्लेट है, बट उस आइडिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। वो 17वीं शताब्दी का आइडिया था और अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, बात बताइए एक बार, साइड हो जाऊं, ये कह रहे हो आप लोग, ₹2.5 भिजवाइए पहले। खैर ये तो मजाक की बात हुई। बिल्कुल आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। जो चिल्ड्रन है यानी कि जो बच्चे हैं वो प्रभावित होते हैं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष्य से, यानी जिस सोसाइटी जिस कल्चर में वो रहते हैं उससे वो प्रभावित होते हैं। मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया था, सेम 5 साल का बच्चा आपके घर में, हमारे घर में, जो नॉर्मल एक खाना पीना जहां ठीक मिल पा रहा है, वहां रहने वाले बच्चे के लिए बचपन अलग है। जो झुग्गी झोंपड़ी में या जिसकी स्ट्रगल है, उस 5 साल के बच्चे का अनुभव अलग है, उसका समाज और संस्कृति से जुड़ाव अलग है। तो समाज और संस्कृति हमें बिल्कुल प्रभावित करेगा बच्चे को और बच्चे के विकास को। सी ऑप्शन यहां सस्ता सुंदर सरल टिकाऊ आंसर। आगे बढ़ेंगे, छोटा सा इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ, दिक्कत हो रही है मुझे, आप देख नहीं पा रहे होंगे, क्लियर नहीं दिख रहा, क्या करें, चश्मा भिजवा दें आपके लिए, वो बढ़ा लो क्वालिटी थोड़ी। सही तो डी भी है हिमांशी दी, कौन कह रहा है ये, कौन कह रहा है ये। तेज राम जी कह रहे हैं जो ठीक से नहीं पढ़ रहा, लेट्स लर्न पे अलाउड है, उसका मुर्गा बना दो। यार रहने दो, जी लेने दो बेचारों को। देखो सही है, लेकिन इस परिपेक्ष को हम आज की डेट में फॉलो नहीं करते। ये बिल्कुल, जब तक ये ना पूछा जाए कि बिहेवियरिज्म क्या कहता है बच्चे के बारे में, तब तक आप इससे हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये खतरनाक है। हम आज की डेट में इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद को फॉलो कर रहे हैं हम, मतलब आज की जो एजुकेशन की प्रणाली है, एजुकेशन का सिस्टम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a sensitive period pertaining to language development? भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल, या इसको संक्रमण काल भी कहा जा सकता है, है ना, संवेदनशील या fastest language growing period कह सकते हो आप। सबसे तेजी से भाषा का विकास कब होगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अडल्टहुड यानी 20-21 के बाद, अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष, प्री नेटल पीरियड यानी प्रसव पूर्ण अवस्था 9 माह, जो गर्भावस्था वाला पीरियड है, मिडिल चाइल्डहुड आप वही 6 से 11 कह सकते हो। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सिंपल आंसर है जिसको हम कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, बहुत तेजी से बच्चा भाषा पकड़ता है, और तभी हम देखते हैं कि 2 साल में 272, 3 साल में 1000 के आसपास शब्द हैं, 4 साल में कुछ 1500 के आसपास शब्द हैं, फिर 5 साल तक आते आते 2072 हो गए। मतलब कितनी तेजी से भाषा की जो वोकैबुलरी है बच्चे की वो डेवलप हो रही है, भाषा का विकास बहुत तेजी से होगा, एचपीएस स्टॉक बहुत बढ़िया। बताइए एक बार, तो आंसर क्या हुआ, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बचपन का समय। क्लियर हो गई बात यहां तक की? देखो इसको किस तरीके से और पूछ सकता है ये समझ लो, अर्ली चाइल्डहुड जो है वो जन्म से नहीं, 2 वर्ष से 6 वर्ष का समय, 2 to 6 years ऑफ एज। किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ये? सोशलाइजेशन के लिए भी बहुत तेजी से होगा, यहां सामाजिकरण भी बच्चे का, फिजिकल ग्रोथ भी तेजी से होगी, ग्रोथ भी क्या है, फास्ट है, और क्या है इसके साथ साथ, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये बहुत संवेदनशील है, यानी फास्टेस्ट भी है और सेंसिटिव पीरियड भी है लैंग्वेज के लिए। तो लैंग्वेज के लिए फास्टेस्ट, सबसे तेजी से भाषा का विकास इसी स्टेज में होगा, और सेंसिटिव यानी संवेदनशील भी है।
नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो LAD है वो 5 साल तक सबसे ज्यादा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। यानी कह सकते हैं कि 2 से 6 वर्ष लैंग्वेज के लिए भी और फिजिकल ग्रोथ के लिए भी यानी शारीरिक वृद्धि के लिए भी, सामाजिकरण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट काल है। ठीक है बात यहां तक की, कोई समस्या हो तो बता दीजिए। और इसको प्री गैंग एज भी कहते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। टॉय एज पे भी आजकल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें चाहते ना चाहते मानना पड़ेगा कि यही टॉय एज है। आगे बढ़ेंगे, अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, अब एज पहचान लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड किस अवधि की ओर संकेत करता है ईयर्स में, बताइए एक बार। ब्लैक स्लाइड बेस्ट है, ब्लैक ले आएंगे यार आप लोग, आज कमेंट में बताना मैं देखूंगी। स्वाति ठीक है, पुनीता यार मजे करते रहते हो आप लोग भी, कह रहे हैं जितने डिसलाइक करते हैं सबके सब यूट्यूब पर पढ़ाते हैं और उन्हें कोई देखता नहीं, बहुत बढ़िया। अरे क्यों दुखी होते हो, ठीक है जिसका जैसे चल रहा है, बताओ एक बार। अच्छा लाइक शेयर कर देना, यूट्यूब से याद आया। बताओ एक बार आंसर करो, फोर्थ का ए मिक्स्ड आंसर दे रहे हो है ना, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो आंसर होगा 2 से 8 वर्ष, हालांकि हम जो पढ़ते हैं वो 2 से 6 वर्ष पढ़ते हैं, लेकिन एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन ढूंढना होगा जो बेस्ट होगा। 6 से 12 हो नहीं सकता क्योंकि ये उत्तर बाल्यावस्था है, लेटर चाइल्डहुड। जन्म से 2-5 वर्ष, देखो जन्म से इन्फेंसी की बात होती है, हालांकि अगर आप डीप में जाएंगे तो ये भी आंसर हो सकता था, बट बेटर आंसर क्या है 2 से 8 वर्ष, क्योंकि इन्फेंसी पीरियड को हम मान ले रहे हैं जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था को, इसलिए ये नहीं होगा। बर्थ टू 8 ईयर्स तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, 2 to 8 ईयर्स ऑफ टाइम, और अगर यहां 2 से 6 दिया होता तो हम उसके साथ चले जाते, ठीक है बात। अगर आप एज की ही बात करेंगे तो हम जानते हैं इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, 4 स्टेजेस सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ी थी ना हमने कल, जन्म से 2 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 या 6 से 12 भी कह देते हैं कई लोग, और फिर है अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, 1 साल ऊपर नीचे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, अडोलेसेंस है 12 से 18। और अगर पूछ ले WHO के अनुसार किशोरावस्था की उम्र, तो फिर हो जाएगी 10 से 18 या 19 आई थिंक है, 10 से 19 है WHO के अकॉर्डिंग, किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष एज पर WHO, जनरल कॉन्सेप्शन वही है कि 12 से 18, ठीक है। सोशलाइजेशन कोई स्टेज नहीं है, सोशलाइजेशन सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे समाज के एक एक्टिव मेंबर बन पाते हैं, वो समाज के नियम कायदे तौर तरीके कानून सबको समझ पाते हैं। ये चैप्टर आएगा आपका नेक्स्ट, उसमें समझेंगे कि सोशलाइजेशन है क्या, वो कोई स्टेज नहीं है, लेकिन सोशलाइजेशन फास्टेस्ट वे में होगा या तेजी से होगा अर्ली चाइल्डहुड में। आगे बढ़ जाएं अब इसी बात पे, तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है सिंपल सिंपल से भी। अब ये क्वेश्चन देखो, कल के क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक रहने वाले हैं, लेकिन आज को आज वाले क्वेश्चंस को भी आप हल्के में नहीं लेंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन डेवलपमेंट से आए तो आप गलत ना करके आए किसी भी स्थिति में। बताइए एक बार आंसर कीजिए फटाफट से, मैम यूट्यूब के इतिहास में सबसे सफल हो, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद पारस। बाकी ठीक है, जीवन में बदलाव होते रहते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ना ऊपर जाने को ना नीचे आने को, जो कर रहे हैं उसमें मजा आना चाहिए। बताइए एक बार, अ 6 ईयर्स ओल्ड गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी, यानी एक 6 वर्ष की बच्ची है जिसमें खेलकूद की असाधारण क्षमता नजर आती है, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, हम कह सकते हैं कि दोनों जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के, माता पिता हैं, वो क्या है, स्पोर्ट पर्सन हैं, यानी कि पहले से ही खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में हैं। सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे एंड ट्रेन हर ऑन वीकेंड्स, और क्या क्या करते हैं साथ में, उसको कोचिंग्स के लिए भेजते हैं, जो भी स्पोर्ट वो खेलती है उसके लिए उसको कोचिंग कराते हैं, वीकेंड्स पे भी ट्रेनिंग कराते हैं अलग से। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन, यानी कि उसकी जो ये क्षमताएं हैं विशेष, जो वो इतना अच्छा कर पा रही है स्पोर्ट्स में, ये किसके इंटरेक्शन के कारण है, किसकी अन्योन क्रिया के कारण है, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है हेल्थ एंड ट्रेनिंग, दूसरा ऑप्शन है डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, तीसरा है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, और लास्ट ऑप्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताइए एक बार, कष्ट कीजिए बताने का, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। आंसर कीजिए फटाफट से,
सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, मान लें आपकी बात। ये 6,000 लोग देख रहे हैं, 3,800 लोगों ने लाइक किया, क्या करें बाकी के लोगों का बता दीजिए, 2,200 लोगों को कहाँ लेके जाएं। देखिए आंसर होगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इनका मांस का चालान कटवाएंगे सबका। देखो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण, इसकी जगह यहाँ क्या और लिख के दे सकता था, इसकी जगह यहाँ नेचर नर्चर की डिबेट दे सकता था, है ना। सिंपल बात है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन है तो बच्चा बन ही जाएगा, उसमें क्षमता है, लेकिन आपको ट्रेन तो कराना पड़ेगा, न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा, यानी एनवायरमेंट का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे के अच्छा करने में। तो हम कह सकते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही रोल है, ठीक है बात। तो हेरिडिटी से ठीक है उसको जीन्स अच्छे मिले और सब कुछ है, लेकिन एनवायरमेंट से यदि ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो जरूरी नहीं है, जो कितना भी अच्छा साइंटिस्ट का बच्चा भी चोर बन सकता है यदि एनवायरमेंट खराब हो जाए तो। यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं, नेचर यानी प्रकृति, और एनवायरमेंट को हम नर्चर कहते हैं, पोषण। इसको कई बार प्रकृति पोषण विवाद भी कह दिया जाता है, प्रकृति जिसको बदला नहीं जा सकता, कहा जाता है भाई प्रकृति नहीं बदल सकते आप किसी की, यानी ये स्टैटिक फैक्टर है, फिक्स्ड है, कल भी हमने यही बात की थी, फिक्स्ड है। और यदि मैं बात करूं नर्चर की तो ये है पोषण। पोषण तो आप जब चाहे बदल सकते हो, आज आप वेजिटेरियन हो कल कुछ और बन सकते हो, बट बने रहोगे वेजिटेरियन तो ठीक रहेगा एनवायरमेंट के लिए भी, ठीक। तो नर्चर यानी पोषण की हम बात कर रहे हैं, और ये डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, लेकिन विकास में दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये बात को हमें मानना पड़ेगा, दोनों के इंटरेक्शन से ही, गुणनफल से ही बच्चे का विकास हो पाएगा, ठीक है बात। क्लियर हो गई बात, ओल्ड क्लासेस यही है यार, लेट्स लर्न पे आपको कितनी सारी मिल जाएंगी, बिल्कुल ठीक है अनुराग, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, देखो एक क्वेश्चन फिक्स आता ही है, एक से ज्यादा भी आ जाएगा कई बार हेरिडिटी और एनवायरमेंट पे, बट एक नंबर तो फिक्स्ड है, और सीडीपी में नंबर मत गवाइएगा, मैडम राजस्थान में आपकी बहुत पॉपुलैरिटी है, अरे यार आप लोग अच्छा लगता है, आप लोग जुड़े हुए हैं इतना काफी है, पॉपुलर तो कौन ही है इस दुनिया में। देखिए अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, बच्चे का विकास किस चीज का परिणाम है, आप कह रहे हैं बी ऑप्शन, मान लें आपकी बात। देखिए सिर्फ अपब्रिंगिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपब्रिंगिंग किसका हिस्सा हो गई, एनवायरमेंट का, तो फिर हेरिडिटी को भी तो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना, तो हेरिडिटी भी नहीं हो सकता, एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एनवायरमेंट भी नहीं हो सकता, तो ओनली वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादातर केस में खतरनाक ही होता है। बात की जाए यदि, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इसकी जगह दूसरी भाषा में लिख देगा कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि जटिल अन्योन क्रिया है, आप क्लियर नहीं बता सकते कि कहां कितने परसेंट हेरिडिटी है और कितने परसेंट एनवायरमेंट है, तो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है बात, कॉम्बिनेशन है, क्लियर हो गई बात। सौम्या अपनी जो क्वालिटी होती है ना, सेटिंग्स में जाकर के वो 1080p कर लो तो सुधर जाएगा, यहां से तो क्वालिटी बेहतर ही है। देखो ये है क्वेश्चन अच्छा, इसको सॉल्व करके दिखाओ, ये करके बताओ, तब मानेंगे आपको कि थोड़ा बहुत सीडीपी आ गया है, देख लो एक बार, अच्छा जस्ट मैच करो, सोचो ही मत कि ऑप्शन क्या होंगे, आपको सिंपल ये मैच करना आना चाहिए, बताओ एक बार, बताइए बताइए, दिख नहीं रहा, ये कौन से लोग हैं जिनको दिख नहीं रहा, बस ये बता दो एक बार मुझे, एक मिनट रुको मुझे देखने दो, 1080p है क्वालिटी है, देखो एक बार मैच करो, मैं देखती हूँ एक बार क्वालिटी में यदि कुछ हो सकता है इम्प्रूवमेंट तो। ब्लैक वाली स्लाइड लाएं क्या कल से, सही तो है, सब सही है, देखो एक बार, देखो देखो देखो, प्रिंसिपल एक तरफ तो दिए हुए हैं विकास के प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मैंने कल बताया था 10-12 होते हैं, कॉन्टिन्यूटी, स्पाइरल वर्सेस लीनियर, इंटीग्रेशन, ये सब हैं प्रिंसिपल हैं, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है। प्रॉक्सिमो डिस्टल मैंने कल डिस्कस किया था, सेंटर से बाहर की तरफ, तो ये रहा सेंटर से बाहर की तरफ, यानी ए के साथ हम जोड़ सकते हैं किसको, फोर्थ को। फिर है सेफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल ये रहा हेड टू टो, आसान है ये तो, बी का क्या हो गया, टू ऑप्शन, ठीक है। फिर है इंटर इंडिविजुअल, इंटर का मतलब होता है दो या दो से अधिक, और इंट्रा का मतलब है स्वयं एक ही व्यक्ति में जो चेंजेस होंगे, तो चेंजेस इन अ सिंगल चाइल्ड, तो हम कह सकते हैं डी का
थर्ड हो गया, और सी का इंटर इंडिविजुअल का मतलब है डिफरेंट लोगों में, ठीक है बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बता दीजिए। तो ये डिफरेंट एट डिफरेंट चिल्ड्रन, तो सी का हो गया फर्स्ट। तो हम कुल मिलाकर के अगर आंसर बनाना चाहें, ये तो मैं टाइम ले रही हूं, नहीं तो आप तुरंत जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट का फोर्थ है, देखेंगे ऑप्शन में कौन सा फोर्थ है, सीधे चले जाएंगे आंसर के साथ, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, अब देख लेंगे फर्स्ट का फोर्थ और सेकंड का सेकंड कहां है। फर्स्ट का फोर्थ सिर्फ लास्ट में नजर आ रहा है, फिर तो आसान हो गया, फिर भी आगे अगर आपको वेरीफाई करना हो सेकंड का सेकंड, ठीक है, मतलब फोर्थ ही होगा आंसर इसका, डी ऑप्शन बनना चाहिए। फिर भी आपकी इच्छा हो अगर इसको सॉल्व करने की, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने है, पीडीएफ डाउनलोड करके इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल यहां ए का फोर, सेफेलोकॉडल हेड टू टो, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, इंटर का मतलब है दो या दो से अधिक, अलग अलग बच्चों में अलग अलग अंतर, इंट्रा का मतलब है एक ही बच्चे में जो डेवलपमेंट किस तरीके से काम करेगा, ठीक है बात। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर हो गई बात। कोई समस्या, कोई समस्या हो तो बताओ, आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, कल कमेंट करके बताइएगा एक बार कि व्हाइट रखें बैकग्राउंड के ब्लैक रखें, थोड़ी आपकी भी सुनी जाएगी, वैसे व्हाइट ठीक तो लग रहा है। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जहां एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, वो क्वेश्चन आसान होगा, बट आपसे गलती होने के आसार ज्यादा बढ़ जाएंगे। ग्रेट मनदीप, बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए। सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, मान लें आपकी बात, देखते हैं एक बार। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, किससे, प्ले से, यानी खेलने से क्या फायदा है बच्चों को। तो बात तो ठीक है, लेकिन ये तो गलत पूछा था ना, एक्सेप्ट किस चीज को छोड़ के खेलने के फायदे हैं, किस एक चीज को छोड़ दें यदि, तो सेंसेस को स्टिमुलेट करेगा, ये बात भी सही है, लेकिन गलत है क्योंकि गलत पूछा है, इसलिए सही भी गलत है, है ना। इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये कहना गलत है कि जो खेल है वो जस्ट टाइम बिताने का एक तरीका है, टाइम बिताने के तो बहुत तरीके हैं, खेलने की क्या जरूरत है, आजकल तो फोन लेके बैठ जाओ, टीवी लेके बैठ जाओ, है ना। फिर है दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न टू यूज देम, बिल्कुल सही बात है, कोऑपरेशन सीखते हैं बच्चे, लीडरशिप सीखते हैं, कितनी सारी नेतृत्व सीखते हैं, मतलब कितनी सारी चीजें वो सीखते हैं, लेकिन ये कहना कि सिर्फ समय बिताने का एक अच्छा तरीका है खेल, तो ये गलत होगा। तो सी ऑप्शन सही है क्योंकि ये गलत है, पूछा वही है ना, किसके अलावा, तो समय बिताने के अलावा बाकी सारी बातें सही हैं, ठीक हो गई बात, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, यानी विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। ब्लैक बोर्ड प्लीज, ठीक है कल से लाएंगे ब्लैक बोर्ड, और बताओ, ब्लैक बोर्ड कल से लाएंगे, कल से लाएंगे ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इंटर और इंटर, इंटर कल कर दूंगी, ब्लैक बोर्ड ही लाएं क्या, ले आएंगे यार कल से ले आएंगे, और बताओ। कमेंट में बता देना, कोई बात नहीं, पोल भी दे देंगे कल, और बताओ। इनमें से कौन सी एक बात प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। तो डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये बात तो सही है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये बात भी सही है, यानी अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर है। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, ये बात भी सही है, स्टेजेस तो सेम है लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। लेकिन जो डी ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, यानी विकास क्या है, एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, मतलब आप विकास के हर पहलू को माप सकते हो, ये कहना गलत होगा। मेरी समझ कल से 250 ग्राम बढ़ गई, मैं ये नहीं कह सकती हूं, है ना, मेरा सामाजिक और संवेगात्मक विकास अच्छा हो गया कल से, इसको मैं 200 ग्राम में नहीं बता सकती, यानी माप नहीं सकती हूं। तो विकास का हर एक पक्ष परिमाणात्मक नहीं हो सकता, जबकि वृद्धि परिमाणात्मक है पूर्ण रूप से, विकास परिमाणात्मक नहीं हो सकता हर एक रूप से, कुछ पक्ष विकास के परिमाणात्मक हो सकते हैं, बाकी क्वालिटेटिव होंगे यानी गुणात्मक पक्ष होगा। तो विकास क्या है, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है, जबकि वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक है, ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। भाई हाइट और वेट ये सब क्या है, इनको तो आप माप सकते हो ना, लेकिन समझ को कैसे मापोगे,
देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ एक बार. द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट. यानी कि ये जो विशिष्ट अन्योन्य क्रिया है किसके और किसके बीच में, जिसकी वजह से विकास होगा, बताइए. ये तो बता दोगे आंख बंद करके, नींद में भी कोई पूछे तो बता दोगे. हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दो ही बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसको राड़ की जड़ कहा जाता है पूरे मनोविज्ञान में. मतलब राड़ की जड़ नहीं कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे कि ये कारण है दोनों, जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी हम इसी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा विकास में हम यही बात कर रहे हैं कि दो ही कारण है किसी भी चीज के, हेरिडिटी है या तो एनवायरमेंट है, इसके अलावा आप कुछ है नहीं. इसी का आप प्रोडक्ट है, इसी का आप गुणनफल है, बाकी सारी चीजें इसी में आ जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन हो कुछ भी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन देखिए फटाफट से आंसर कीजिए. और क्वेश्चन है, नोइंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर बिकॉज. यानी प्रिंसिपल्स, जो विकास के सिद्धांत हैं, वो एक टीचर को क्यों पता होने चाहिए. आप क्यों पढ़ रहे हैं विकास के सिद्धांत, बताइए एक बार. इसके पता होने से आपको क्या फायदा मिलेगा ये बता दीजिए. तमन्ना, मैंने ये बोला है कि अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल ग्रोथ ज्यादा होती है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इन्फेंसी से ज्यादा होती है. इन्फेंसी में अर्ली चाइल्डहुड से ज्यादा है. इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड दोनों में फिजिकल ग्रोथ तेजी से होती है, लेकिन दोनों में से कोई एक पूछे सबसे तेज कहां होगी, तो फिर इन्फेंसी में होगी. और इन्फेंसी से भी तेज हम कह सकते हैं प्रीनेटल, प्रसव पूर्ण में. ठीक है, बताइए एक बार, समझा करो बातों को. दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू सेग्रीगेट. अलग अलग करना है आपको बच्चों को, नहीं इंक्लूड करना होता है. इंक्लूसिव एजुकेशन को हम फॉलो करते हैं. गुड इंप्रेशन के लिए पढ़ रहे हो क्या, जीवन में जी रहे हो गुड इंप्रेशन के लिए. दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. ये बात तो सही लग रही है. पॉपुलर कोर्स ये मैटर नहीं करता. बात है कि इससे आप एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज, बच्चे के इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इन सब के आधार पर उसके सामने उस तरीके से उसको डील कर पाओगे, जिस तरीके से वो सीख सकता है उसको वैसे अवसर प्रदान कर पाओगे, यदि आपको विकास के सिद्धांतों के बारे में पता होगा तो. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आज हम 20 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे. टाइम देख लेती हूँ, टाइम तो है अपने पास. एक्चुअली इससे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं. बच्चों को सीखने का अवसर जरूर देना है. देखो ये सीरीज अगर फॉलो कर रहे हो तो जितने भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हो जाएंगे सीरीज में ही. और बताओ, गर्म ना हो पानी ज्यादा. ओह गॉड, एक एक करके अलग अलग सब्जेक्ट भी चलाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो यार, पहले ये तो कर लें. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो एक बार, ए ऑप्शन कह रहे हो आप लोग हेड टू टो, बिल्कुल. सेफेलोकॉडल, सेफेल का मतलब ही है खोपड़ी, सेफेलोकॉडल का मतलब है हेड टू टो, यानी विकास जो है वो सिर से पैर की ओर जाएगा. विकास की दो दिशाएं मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल. प्रॉक्सिमोडिस्टल है जो हार्ट से बाहर की ओर कंट्रोल आएगा, और सेफेलोकॉडल है जो सर से पैर की ओर. पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, देन वो आप बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, मतलब सर से पैर की तरफ कंट्रोल जाता है. किसमें? सेफेलोकॉडल में. हेड टू टो कहेंगे इसको. ये विकास का एक सिद्धांत है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है. दो प्रकार की डायरेक्शन है, सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल. ठीक, देखिए एक बार. व्हेन अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो. मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में विकास के एरिया ऑफ डेवलपमेंट कौन से हैं? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और सांवेगिक. इनमें से यदि किसी एक भी क्षेत्र में, मान लीजिए फिजिकली बच्चा लो है, फिजिकली वो उतना अच्छे से नहीं, उसको ठीक नहीं है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, या संज्ञानात्मक रूप से परेशान है, तो क्या फर्क पड़ेगा यदि वो लो है तो, किसी भी एक क्षेत्र में. देवेंद्र यादव जी पढ़ लीजिए, कुछ नहीं रखा है इन बातों में. डज नॉट इन्फ्लुएंस हर ओवरऑल डेवलपमेंट, ये कहना गलत होगा. विकास के सारे पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिजिकल कॉग्निटिव से, कॉग्निटिव सोशल से, सोशल इमोशनल से, यानी चारों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं. तो एक पक्ष में यदि परेशानी होगी तो बाकी पक्ष भी प्रभावित होंगे. यदि आज आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, बीमार लग रहा है, या कोई घर में कुछ परेशानी हो गई है, तो आप इमोशनली ठीक नहीं है. जब आप इमोशनली ठीक नहीं है तो आप सही चीजें भी कई बार गलत कर देते हैं, सही डिसीजंस भी जो लेने होते हैं,
क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाते हैं कई बार. दैट मीन्स आपके विकास के चारों पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, यानी हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट. तो विकास के जो एरियाज हैं, टाइप्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. यदि एक क्षेत्र में बच्चा कमजोर है तो दूसरे क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ सकता है. हम कह सकते हैं कि एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड. क्या है? इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक हो गई बात? कोई समस्या परेशानी बताइए. मानस ऊषा जी, नितिका, बहुत बढ़िया, सही है. पूरा ध्यान रखते हो कौन पढ़ने आया है आज, कौन नहीं आया. देखो एक बार, पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन, यानी छोटे बच्चों के सीखने में पेरेंट्स का रोल कैसा होना चाहिए, बताइए एक बार. आंसर कीजिए. बहुत बढ़िया ज्वला, आप आए, बाहर आई, डेली आओ, अब तो कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे. व्हाइट बोर्ड ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, एक पोल भी कर देंगे. और बताओ, टेलीग्राम पे पोल दे देंगे, यहां भी दे देंगे. पेरेंट्स शुड प्ले अ डैश रोल इन दी लर्निंग प्रोसेस, प्रोएक्टिव रोल मतलब अग्रोमुखी. भाई पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो एक्टिव हैं बच्चे के विकास में, सीखने में उसको सपोर्ट करते हैं, है ना. नेगेटिव रोल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. सिंपैथेटिक नहीं, एम्पैथेटिक होना चाहिए, न्यूट्रल भी नहीं, प्रोएक्टिव. उनको एक्टिव रोल प्ले करना है बच्चे के विकास में, तभी आपको पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग में और हर जगह बुलाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, 15th क्वेश्चन है. यार डिटेल में डिस्कस करने में टाइम लगता है, ये बात तो निश्चित है. देखिए एक बार. अरे धन्यवाद अंकिता पटेल, गजब का जोश. अच्छा, न्यूट्रल का मतलब है उनको फर्क ही नहीं पड़ता, आपका बच्चा कहीं तेल लेने चला जाए, आपका बच्चा कहीं घूमने चला जाए, आपको कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ है, आपको ये भी नहीं पता वो कौन सी क्लास में पढ़ता है. बताइए एक बार, डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग. Which of the following statements about principles of development is incorrect? यानी विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सी एक बात गलत है, है ना, गलत है. विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सी बात गलत है? Development depends on maturation and learning. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Development is a quantitative, ये हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं. डी ऑप्शन सही है इसमें, सिंपल. आगे बढ़ेंगे. Which of the following is correct about development? Development के बारे में कौन सी एक बात सही है, बताइए. 20 questions करेंगे. Development के बारे में कौन सी एक बात सही है, इसको बताने का कष्ट कीजिए. ठीक है शेफाली, आंसर कीजिए. तो development के बारे में कौन सी बात सही है? Development begins and end at birth. ये तो गलत है ना, ऐसा थोड़ी है. जन्म के समय शुरू हुआ और जन्म के समय खत्म हो गया, है ना. तुम ही मतलब सब कुछ, तुम ही से शुरुआत, तुम ही पे अंत हो गया एक पॉइंट पे ही, ऐसा नहीं हो सकता. डेवलपमेंट क्या है? वूम टू टूम्ब चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक चलेगा, जब तक आप जिंदा हैं तब तक चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता. जन्म से ही शुरुआत हुई, जन्म पे ही खत्म हो गया. ठीक है, तो ये तो गलत हो गई बात. फिर है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये बात सही है. डेवलपमेंट इज यूनिडाइमेंशनल, सिर्फ एक दिशा में चलता है, ये बात भी गलत है. बहुत सारी इसकी अलग अलग दिशाएं हैं, एस्पेक्ट हैं. डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, अलग थलग है, जी नहीं, इंटर रिलेटेड है, जुड़ाव है इसका बाकी सभी विषयों से. तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन. आजकल ये बहुत जोर है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे, कि बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ा जाए, और जो उसका समाज है और संस्कृति है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इस बात पे पूरा जोर दिया जाता है आजकल, इसीलिए हम वाइगोस्की को भी इंपॉर्टेंट मानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल बट इट फॉलोज इन पैटर्न. देखिए एक बार, मतलब कहा जा रहा है कि विकास की जो गति है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, यानी जैसी मेरे अंदर है वैसी सामने वाले में नहीं होगी. जरूरी नहीं आपने 9 महीने में चलना सीखा था, आपके भाई ने भी 9 महीने सीखा हो सकता है, उसने 1.5 साल में चलना सीखा हो. ठीक है बात, किंतु यह एक डैश नमूने के का अनुगमन करती है, मतलब इसमें अंतर तो है लेकिन फिर भी ये क्या करती है, एक पैटर्न को, एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, यानी अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न. भाई एक पैटर्न तो है ना, कि पहले बच्चा क्या है, खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा. ऐसा तो नहीं है पहले दौड़ना सीख लिया हो फिर चलना सीखा हो, पॉसिबल नहीं है. तो कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर निश्चित है विकास का. ठीक, टो टू है, हेड हैफेजर्ड अनप्रिडिक्टेबल, ये कहना गलत होगा. एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली प्रोसेस है
विकास जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक सीक्वेंस को, एक ऑर्डर को प्ले करता है या फॉलो करता है। बेशक यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं कि मेरे अंदर हो सकता है मैंने चलना 1.5 साल में सीखा हो सकता है आपने 9 महीने में सीख लिया हो, लेकिन सीखोगे तो जरूर। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 9 महीने में चलना सीखा और आपने 9 महीने में दौड़ना सीख लिया, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो प्रोसेस तो वही है ना सभी के लिए, तो एक सीक्वेंशियल और ऑर्डरली प्रोसेस है। आगे बढ़ेंगे, 18th क्वेश्चन देखिए जरा, मजा आ रहा है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सजेस्ट इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद द पीपल अराउंड हिम एंड विद सोशल इंस्टीट्यूशन टू डील विद डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। बताइए एक बार इनमें से। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेहनत लगती है आपको, कंटेंट से लेकर, क्वेश्चन से लेकर, टॉपिक से लेकर के निकाल निकाल के क्वेश्चंस लाए जाते हैं, और ये अपने आप में एक बैच जैसा है। बताओ एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सजेस्ट इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद द पीपल अराउंड हिम, मतलब कि कौन सी एक अप्रोच है जो बच्चे का जो इंटरेक्शन है उसके समाज के साथ, और वहां से उस इंटरेक्शन के थ्रू उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेगा। तो इसको हम इकोलॉजिकल मॉडल कहते हैं, ब्रॉनफ्रेंड ब्रूनर की थ्योरी है। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि बच्चे जिस पर्यावरण में रहेगा, जिससे इंटरेक्ट करेगा, उससे उसके व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। इसीलिए आप पेरेंट टीचर मीटिंग कराते हैं ताकि आप जान सकें कि बच्चे के पेरेंट्स और उसका क्या संबंध है, बच्चे के पेरेंट्स जान सकें कि स्कूल में वो कैसा है, तो आसपास का जो माहौल है, एनवायरमेंट है, उस पर प्रभाव डालेगा। इसीलिए इसको इकोलॉजिकल मॉडल कहा जाता है। ठीक है बात, तो सिंपल आंसर है इसका बी ऑप्शन, बिहेवियरल एस्पेक्ट या बिहेवियरल कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इन कामों पे ध्यान दे। बिहेवियरिज्म तो ध्यान ही नहीं देता ना आपका, बाकी आपके पर्सनल लेवल पे क्या है, वो तो कहेंगे हम तो चेंज करा देंगे। ठीक है, ये इकोलॉजिकल मॉडल है जिसमें 5 लेवल्स हैं, MME है ना, माइक्रो, मीजो और एक्सो, और MC यानी मैक्रो और क्रोनोलॉजिकल। ये 5 लेवल्स हैं, 5 सिस्टम है, ये ब्रॉनफ्रेंड ब्रनर ने दी है। ब्रॉनफ्रेंड ब्रनर ने दी है ये थियोरी, मैंने कराई हुई है, एक बार सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में, अगर आपने प्लेलिस्ट देखी है, नोट्स बनाए हैं, तो आपको ये बात पता होगी। माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आएगा, जो बच्चे के बिल्कुल इमीडिएट सराउंडिंग में है, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसका स्कूल हो सकता है, उसका नेबरहुड हो सकता है, तो ये हुआ माइक्रो सिस्टम। फिर इसके जस्ट बाद मीजो, मीजो मतलब जब 2 माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करें, जैसे स्कूल और फैमिली दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, पीटीएम कहां आ गई, मीजो सिस्टम में। एक्सो सिस्टम क्या है, इनडायरेक्ट जिन चीजों का बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा, जैसे पेरेंट्स के वर्क प्लेस का, पेरेंट्स के ट्रांसफर का, बच्चा डायरेक्ट नहीं जाता पेरेंट्स के ऑफिस, लेकिन जो पेरेंट का मूड है वो उसको प्रभावित करेगा, या जो पेरेंट्स का काम है वो उसको प्रभावित करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। फिर है मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम है एक बड़े लेवल पे जो समाज में, कल्चर में, बिलीफ्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको, और इसके बाहर भी एक सिस्टम होता है जिसको क्रोनो सिस्टम कहते हैं, यानी समय के दौरान, आज 10 साल बाद जैसी स्थिति है ऑनलाइन एजुकेशन की, 10 साल पहले नहीं थी, मतलब समय के दौरान चेंजेस आए हैं, तो ये क्रोनो सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, बाकी नोट्स में ये आपको हेल्प करेगा। ये एक बेसिक बात हुई, ये नोट्स में काम करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, बताइए एक बार, अच्छा मानस कह रहे हैं धीरे पढ़ाओ हैंग हो जाएगा माइंड, चलो स्लो चल लेंगे। बताइए एक बार, क्वेश्चन है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी विकास की शुरुआत कब से होती है, तो वूम टू टूम बताया है मैंने आपको, गर्भ से कब्र तक जाएगा, गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक। देखो इसीलिए चैप्टर वाइज रखा है, नहीं तो मैं चाहती अगर तो सबको मिक्स करके भी आपके सामने लाया जा सकता था और वो बहुत आसान था, है ना, इसमें अलग से निकालने पड़ते हैं क्वेश्चन। इसका रीजन यही है कि आप पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस करें, उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनाएं धीरे धीरे, नहीं तो एक दिन पहले भी सिलेबस खत्म कराया जा सकता है लेकिन वो टिकेगा नहीं ना दिमाग में। धीरे धीरे डेली आओगे जब जाके दिमाग में रुकनी शुरू होंगी चीजें। बताओ एक बार, गर्भ से कब्र तक यानी प्री नेटल स्टेज से ही शुरुआत हो जाती है, प्रसव पूर्ण अवस्था से, यानी 9 माह 10 दिन की जो ये अवस्था है, प्रेगनेंसी पीरियड 9 months 10 days आइडियली 280 days। ठीक, इन्फेंसी तो जन्म से 2 वर्ष की बात है, लेकिन विकास की शुरुआत तो जन्म से भी पहले हो गई ना, प्रसव पूर्ण अवस्था में ही हो गई।
ठीक है बात, शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आज आपके ठीक हुए हैं वो आप प्लीज बता दीजिएगा।